तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे पीछे आप दो और बंदों को देख रहे हैं। ये हैं राज भाई जो कि कानपुर से हैं, और ये हैं शुभम भाई जो कि झांसी से। तो गाइस, अभी नीचे हम वीडियो बना रहे थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से उन्होंने रोक दिया। वीडियो आप नीचे नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई ऊपर वीडियो बना रहे हैं। आई थिंक परचेस अच्छा हो गया होगा। शुभम भाई हैं जो कि झांसी से हैं, और ये देवलोक के इंजीनियर हैं। और राज भाई हैं कानपुर से हैं, ये भी देवलोक के इंजीनियर हैं, और मैं भी देवलोक का इंजीनियर हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए थे मीटिंग में, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी हम लोगों की। उसके बाद हम लोगों को अभी छुट्टी मिली है, 6 बज गए हैं शाम के। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलने के बाद हम लोग को जाना है कहाँ पे? लुलू मॉल। तो वी विल गो लुलू मॉल आफ्टर देन। वहाँ पे विजिट करेंगे लुलू मॉल की, ढेर सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। रास्ते में जो चीज़ें पड़ेंगे उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। ये ब्लॉग आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं लोकेशन बता दूं, अभी हम लोग हैं आईटी कॉलेज पे, और हमारा ऑफिस जो है वो आईटी कॉलेज के पास पड़ता है, निराला नगर। वहाँ पे इंडिया हॉस्पिटल उसके पास में है, C-187 बिल्डिंग का नाम है। और यहाँ से हम लोगों को जाना है कहाँ पे भैया? ट्रांसपोर्ट नगर, इधर है ट्रांसपोर्ट नगर। जी ट्रांसपोर्ट नगर मतलब बहुत सारे स्टेशन बीच में पड़ेंगे, विश्वविद्यालय पड़ेगा, हजरतगंज पड़ेगा, हुसैनगंज, दुर्गापुरी, चारबाग वगैरह सब पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर। गाइस मेट्रो हम लोगों की आ गई है, वी आर एंटरिंग इन द ट्रेन राइट नाउ। और दिखाते हैं आपको ट्रेन के अंदर करने जा रहा है। बैठो तो अभी फाइनली हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं, और पीछे चार्जिंग पोर्ट है, इसमें मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज मोबाइल वॉज डिस्चार्ज। सो दैट्स वाई कि ब्लॉग बनाना है तो मोबाइल चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मेट्रो में, बहुत से लोगों ने देखी होगी, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। तो सामने जो पैनल आपको दिख रहा है, इस चीज़ को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। यही बताता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं और कितने स्टेशन के बाद आपका स्टेशन आने वाला है। इसके बाद सामने ये डोर है जो कि अपने आप खुलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी ये सीटिंग एरिया है, अगर इसमें भीड़ रहती है तो बाकी ऊपर हैंडल्स लगे हैं, लोग हैंडल्स पकड़ के खड़े हो जाते हैं। लखनऊ के मेट्रो में तो आमतौर पर अभी उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन अगर आप दिल्ली वगैरह जाएंगे, दिल्ली वगैरह के मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, जो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सकरनी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ चलती है। तो मित्रों अभी हम लोग उतर चुके हैं आईटी चौराहे पर से, हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नगर। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे लुलू मॉल के लिए। चलिए तो भैया एयरपोर्ट, सॉरी ट्रांसपोर्ट नगर। तो भैया ट्रांसपोर्ट नगर उतरने के बाद हम लोगों ने बस ले लिया है लुलू मॉल के लिए, और आई थिंक लुलू मॉल का डिस्टेंस यहाँ से राउंड अबाउट 8 किलोमीटर है। चलते हैं, जर्नी तय करते हैं और लुलू मॉल पहुँचते हैं। दोस्तों हम लोग उतर गए हैं बस में से, हम लोग उतरे उस पॉइंट पर और वहां से कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो हम लोग रोड क्रॉस करके आ रहे हैं। दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एशिया के सबसे बड़े मॉल लुलू मॉल में। तो हम सब यानी कि हम और राज भाई और शुभम भैया सभी लोग एंटर कर चुके हैं और अंदर जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं लुलू मॉल की बहुत सारी चीजों को। ये पार्किंग एरिया है, इसके अलावा कुछ लोगों ने गाड़ी को यहाँ पर भी पार्क कर रखा है बाहर। अब पता नहीं यहाँ पे अलाउ है, लीगल है पार्क करना या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन पार्किंग एरिया यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी ये भी शायद लुलू मॉल के अंडर में ही आता है। अभी तक हमने केवल लुलू मॉल के बारे में न्यूज़ में पढ़ा था, टीवी में देखा था, आज लाइव अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। जब एंटर होंगे सबसे पहले ये जो गेट है ना अपने आप खुल जाएगा। वाओ, ऑटोमेटिक गेट है भाई। ये लुलू मॉल का फीचर्स है, स्टारबक्स की कॉफ़ी, दुनिया में सबसे महंगी कॉफ़ी अगर किसी की आती है तो स्टारबक्स की, जो कि उसका शोरूम स्टारबक्स का यहाँ पे है। बाकी लुलू मॉल की जो बनावट है ना भाई, वाओ क्या शानदार बना हुआ है, देख लो साला, देख के लग रहा है एकदम गजब का, जन्नत वाली फीलिंग आ रही है इसमें, गजब गजब। और जब आप एंटर होगे सबसे पहले ये बड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा यहाँ पे, जो कि एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। इतने बड़े एरिया में तो एक बहुत बड़ा
आलीशान घर भी बन सकता है, क्योंकि तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हो सकता है एक वीडियो में ना एक्सप्लोर कर पाएँ, और जो हम एक्सप्लोर कर पाएंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे ये चेयर्स लगी हुई हैं जो हैंडीकैप हैं उनके लिए, और बाकी अभी हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जो सामने गेमिंग जोन दिख रहा है वहाँ पे स्टेयर्स के थ्रू, जो कि ये यहाँ से आप लोग देख लो गेमिंग जोन। XD थिएटर है यहाँ पे, 3D गेमिंग का मज़ा आप ले सकते हैं बैठ करके, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बाहर से दिखाई दे रहा है बाकी चीज़ों को। और आई थिंक इसके अंदर जाने के लिए हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा, हम लोग को टिकट लेना नहीं है। तो भैया अगर आपको गेमिंग जोन में अंदर जाना है तो मिनिमम 600 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, आफ्टर देन आप एंटर कर सकते हैं अंदर। ये जो लुलु मॉल का ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको आप देख लो कितना मस्त बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। ओ हाय सभी लोगों को, आई एम मेकिंग ब्लॉग, हेलो हेलो हेलो, मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ। भैया लुलु मॉल के अंदर लगभग सारी चीज़ें जो है ना वो महंगी ही हैं। यहाँ पे आइसक्रीम का स्टार्टिंग प्राइस, जो नॉर्मल आइसक्रीम होता है उसका स्टार्टिंग प्राइस 139 रुपीज़ है, और अगर उससे बड़े आइटम में जाएंगे तो फिर वो हज़ार रुपये के, 1500 रुपये के, 2000 रुपये के खाने वाली चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। इस फ्लोर पे हम लोग आए थे ऊपर, जिस थर्ड फ्लोर पे गए थे ना उसके बाद, और यहाँ पे कुछ हमारे मित्र मिल गए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सब लोग एक बार हाय कर दो। कहाँ से हैं आप लोग? अच्छा उन्नाव से आए हैं यहाँ पे, क्या बात है। चलिए तो चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को। खाने पीने के ब्रांड के अलावा यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के और बहुत सारे जूतों के भी ब्रांड हैं, जैसे कि स्टिलेटूस, रेड चीफ, फ्लाइंग मशीन और ग्लोबल देसी, जैसे तमाम ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं लुलु मॉल के अंदर। आप किसी भी एक ब्रांड में डील कर सकते हैं। और ये रहा जूता चप्पल का ब्रांड INC.5 का, क्योंकि एक फेमस कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका यहाँ पे शोरूम खुला हुआ है। तो लुलु मॉल में हर एक फ्लोर पे ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इसके अलावा ये नॉर्मल सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप ऑटोमेटिक सीढ़ियों से नहीं आना चाहते तो आप नॉर्मल सीढ़ी से आइए। ये एक और शूज़ का ब्रांड मेरे को मिला, ऑल्डो करके, मेन शॉप है ये। इसके अलावा रेयर रैबिट का एक शोरूम, चिन्ने बॉन्ड का शोरूम, कुछ शोरूम्स तो इसमें ऐसे हैं जिनके नाम अभी तक मैंने नहीं सुने हैं। और ये आईफोन का शोरूम है, अरे वाह, दिखा दे भैया इसको भी तो फाइनली। अरे नहीं कोई और चीज़ है, अच्छा ये आईफोन का शोरूम, आप देख लो आईफोन का शोरूम है यहाँ पे, क्या बात है। तो ये सामने रहा वर्ल्ड पॉपुलर कॉस्मेटिक ब्रांड नायका का शोरूम, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये है वॉचेस के शोरूम, और भैया गैस करके भी कोई कपड़ों का ब्रांड है, ये मैंने आज पहली बार देखा, वाह अच्छा लग रहा है। लेडीज़ पर्स यानी कि लेडीज़ बैग का भी एक शोरूम। फाइनली दोस्तों मॉल के बाहर आ गए हैं। हालांकि मॉल जो हाइट में, ऊंचाई में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लंबाई में और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा इसका वो है, एरिया कवर कर रखा है। हम लोग के पास इतना समय नहीं था कि पूरा मॉल एक्सप्लोर कर पाएँ। तो अभी दोस्तों हम लुलु मॉल आपको पूरा दिखा नहीं पाए हैं, आधा अधूरा आपको लुलु मॉल दिखाए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि शायद एक वीडियो में मैं पूरे लुलु मॉल को कवर ना कर पाऊँ, क्योंकि अभी राज भाई को और शुभम भाई को और हमको जाना है रूम पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, और फिर सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है 10:00, और काफ़ी थक भी गए हैं। तो पहले रूम का व्यवस्था करना है, उसके बाद सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ, एवरीथिंग, तो सब कुछ हम लोगों को करना है। तो यहाँ से हम निकलते हैं, फिर यदि कभी आएंगे किसी अनदर ब्लॉग में तो यहाँ का पूरा ब्लॉग जो बचा हुआ है उसको बनाएंगे, उस ब्लॉग को हमारे वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। मित्रों जैसा मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि हम लोगों को अब जाना भी है, ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। थोड़ा बहुत आपको लुलु मॉल को दिखा दिया है, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो जब दूसरी बार हम लुलु मॉल देखने आएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।